लाइटर को हम हमेशा इस्तेमाल करते करते बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। देखिए साफ़ करने के बाद कितना ज़्यादा चमक गया है और एकदम नए जैसा काम करने लगता है। ये देखिए कितना गंदा हो चुका है। इसको हम साफ़ करना ही भूल जाते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं लेकिन आटा तेल कुछ कुछ लग के इसमें बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको साफ़ करने का बहुत आसान तरीका मैं बताऊँगी। तो एक भगोने में मतलब एक कटोरी में 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर ले लीजिए और डिटर्जेंट पाउडर सर्फ ले लीजिए और स्पॉन्ज को हल्का गीला कर लें और गीले स्पॉन्ज में उसी जो सॉल्यूशन है बेकिंग पाउडर और डिटर्जेंट पाउडर है दोनों को जो मिला हुआ है सॉल्यूशन उसको लगाते हुए इसको इस तरह से रगड़ते हुए साफ़ करें। देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा गंदा है इस तरह से साफ़ करना है। बहुत ज़्यादा आपको गीला नहीं करना है, हल्का गीला करना है और ड्राई इसको पोंछना है। देखिए इस तरह से जितना भी तेल गंदगी जो भी लगा है सभी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इस तरह से जहाँ बहुत ज़्यादा गंदा है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगाइए, इस तरह से स्पॉन्ज से रगड़ दीजिए। आप चाहे तो थोड़ा सा जो स्टील का स्क्रब आता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्रीन वाला जो स्पॉन्ज आता है उसी का इस्तेमाल किया है थोड़ा सा गीला करके। तो इस तरह से साफ़ कर लिया है मैंने एक और ये दूसरा वाला मैं साफ़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा जहाँ गंदा है ज़्यादा लगाइए और अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा जहाँ गंदा है वहाँ पर आप छुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और छुरी से इस तरह से स्पंज लगा के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से रब करने के बाद आपको एक कपड़ा गीला कर लीजिए, क्योंकि हम लाइटर को पानी में तो धो नहीं सकते इसीलिए कपड़े को गीला करने के बाद 2 से 3 बार इसको वॉश करें कपड़े को और फिर से इसी तरह से 2 से 3 बार पोंछना है आपको। तो दोनों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। देखिए कपड़े को भी मैंने 2-3 बार वॉश करके फिर पोंछा था मैंने, तो क्लिप मैंने नहीं डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अच्छी तरह से गीले कपड़े से पोंछने के बाद डिटर्जेंट पाउडर और बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है वो निकल जाना चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद आपको ड्राई कपड़ा सूखे कपड़े से फिर से पोंछ लीजिए। इस तरह से पोंछने के बाद अगर आप इसके सामने की तरफ साफ़ करना चाहें तो इसके अंदर छुरी या फिर कोई नुकीला चीज़ डाल के अंदर से साफ़ कर सकते हैं। इसको आप इस्तेमाल करने से पहले 1 घंटा धूप में सुखाएं, उसके बाद यूज करें। देखिए कितना ज़्यादा चमक गया है और पहले से ज़्यादा ये काम करने लगता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।